Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to my channel. I am Dishan Lagari and we are going to talk about lecture number 13 from biology book, and that lecture will be from chapter number 8. So today our topic of discussion is about body of fungus. Yani hum aaj discuss karenge fungi ki body kin kin hisson par kin kin cheezon par mushtamil hoti hai. और ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. द बॉडी ऑफ फंगस, फंजाई की बॉडी हम देखेंगे किन किन चीजों पर किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है. सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं कि फंगल बॉडी, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम. हम फंजाई की बॉडी को क्या कहेंगे? माइसीलियम. एंड माइसीलियम इज द मास ऑफ इंटरवोवन फिलामेंट्स. अब ये माइसीलियम क्या है? एक दूसरे के साथ बुने हुए धागों पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर है. यानी ऐसे धागे होंगे जो एक दूसरे के साथ बुने हुए होंगे, एक दूसरे के लिपटे हुए होंगे, और वो ऐसा मास बनाएंगे जिसको हम माइसीलियम कहेंगे. और ये मास माइसीलियम क्या कहलाता है? फंगल बॉडी. अब हम देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग सिलेंडर ब्रांचेस. ये लंबी, सिलेंडर मींस बारीक, ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है. थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, धागों की तरह के फिलामेंट्स होते हैं. अगेन आई विल रिपीट दिस कि फंगल बॉडी क्या कहलाती है? माइसीलियम. और ये मुश्तमिल होती है थ्रेड लाइक फिलामेंट्स पर, जो कि क्या होते हैं? लंबे और बारीक. अब ये धागे क्या कहलाते हैं? हाइफी, सिंगुलर हाइफा. हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम. हाइफी फैले होते हैं बड़े पैमाने पर. एक्सटेंसिवली मीन बड़े पैमाने पर. ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम किसे कहते हैं? अंडरलाइंग लेयर को. ऐसा सबस्टांस जिसके ऊपर फंजाई उगे हुए हों या फिर ग्रो किए हुए हों, उस चीज को हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम. तो यहां से हम देख सकते हैं कि हाइफी फैले होते हैं, जो फंगल बॉडी के थ्रेड्स होते हैं धागे, वो फैले होते हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर. इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं. यहां पर आपके सामने ये सारे थ्रेड्स हैं फंजाई के, और ये थ्रेड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? माइसीलियम. और इन थ्रेड्स को हम क्या नाम देते हैं? जो लॉन्ग एंड सिलेंडर हैं इनको हम नाम देंगे हाइफी. और यहां पर ये मशरूम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे क्या मौजूद हैं? हाइफी मौजूद हैं. और ये फंगल बॉडी का फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन दो बातें जो अभी तक हमने स्टडी की हैं, उसमें माइसीलियम और हाइफी का जिक्र आया है. तो लॉन्ग सिलेंडर, लंबे बारीक और ट्यूब की तरह के ब्रांच्ड शाखों की सूरत में पाए जाने वाले क्या है? ये हाइफी है. और यहां से हम देख सकते हैं कि ये एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर ग्रो किए हुए हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर. ये ब्रेड है, ये इनके लिए सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये ग्रो किए हुए हैं हाइफी. किसके? फंजाई के. अभी हमने माइसीलियम को देखा, इसके बाद हाइफी को देखा जो फंगल बॉडी को बिल्ड कर रहे थे. थ्रेड लाइक फिलामेंट्स थे लॉन्ग एंड सिलेंडर, और हमने देखा कि वो सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं बड़े पैमाने पर. तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो काइटिन है वो क्या होता है? उनकी सेल वॉल में मौजूद होता है. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काइटिन को देखा था कि कैसे फंगल सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद होता है, और इसके बारे में हम जान सकते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है. इट इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके. यानी कि इसमें मुजाहमत होती है, रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर कि ये गलने सड़ने से बच सकता है. और ये रेजिस्टेंस इसमें किससे ज्यादा होती है? सेलुलोज से. और सेलुलोज प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है. ये करेक्टरिस्टिक्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बतानी है कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस डू फंजाई हैव टू लिव ऑन लैंड. तो हम उन एडेप्टेशंस के बारे में बताएंगे कि इसमें काइटिन होता है जो कि क्या होती है? रेजिस्टेंट टू डिके, जो कि गलने सड़ने से बचने वाली होती है. तो ये इसकी बेटर अडेप्टेशंस हैं लैंड पर, जमीन पर सरवाइव करने के लिए. और उसके बाद
ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती है गलने सड़ने के खिलाफ बनिस्बत किसके, सेलुलोज के और लिग्निन के। और ये दोनों चीजें सेलुलोज और लिग्निन क्या बनाती हैं, प्लांट सेल वॉल। आगे हम देखेंगे हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। ये हाइफी के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, इनकी टाइप्स भी आपने याद रखनी है कि ये क्या हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी। सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स। इनको हम डायग्राम्स के जरिए देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स। सेप्टा का मतलब ही होगा क्रॉस वॉल, या फिर इसका मतलब ऐसी दीवार होगा जो कि एक कैविटी को डिवाइड कर रही होगी। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ये हाइफी, ये सिंगुलर अगर हम कहें तो हाइफा हम देख रहे हैं, एक अगर हम देख रहे हैं तो ये हाइफा है। तो इनका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, इनको अगर हम काट के देखें अंदर से, तो हमें नजर आता है कि इनमें क्या मौजूद है, सेप्टम यानी कि क्रॉस वॉल्स, और इस क्रॉस वॉल के दरमियान में भी ओपनिंग मौजूद है ताकि इनका ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक सेल से, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है तो एक सेल से दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म फ्लो कर सके। और ये इनके न्यूक्लियाई हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फंगस का एक सेल है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेट है, डाइकैरियोटिक। डाई का मतलब दो होगा, कैरियो मींस न्यूक्लियस होगा, तो इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, दो। अभी हमने देखा कि सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स, हमने उनकी क्रॉस वॉल्स देखी, हमने सेप्टा को देखा जिसमें ओपनिंग्स मौजूद थी, सिंगुलर इसको हम सेप्टम कहेंगे। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो क्रॉस वॉल है उसकी वजह से हाइफी डिवाइड हुए हुए होते हैं इंडिविजुअल सेल्स के अंदर, यानी कि इंफ्रादी सेल्स में, कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। ये इलोंगेटेड हाइफा है और इस हाइफा को हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है इंफ्रादी सेलों में। ये फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, इंडिविजुअल सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता था, और इसमें यहां पर हम कितने न्यूक्लियाई देख रहे हैं, दो, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियाई यहां पर नजर आ रहे हैं। अभी हमने सेप्टेट हाइफी के बारे में जाना, ऐसे थ्रेड्स जिनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, ऐसे हाइफी जिनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। अब हम देखेंगे नॉन सेप्टेट हाइफी के बारे में कि जिनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। नॉन सेप्टेट हाइफी जिनमें हम कहेंगे दे लैक सेप्टा, उनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, सेप्टा मौजूद नहीं होंगे, एंड आर नॉट डिवाइडेड इंटू इंडिविजुअल सेल्स, तो वो इंफ्रादी सेलों में भी डिवाइड नहीं हुए होंगे। इंस्टेड, बजाय इसके, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लियेटेड लार्ज सेल। फिर इसका मतलब क्या होगा, जब उनमें इंफ्रादी सेल्स नहीं होंगे तो वो इलोंगेटेड हाइफी किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एक लार्ज सेल के अंदर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लियेटेड। सच हाइफी आर कॉल्ड सीनोसिटिक, इस तरह के हाइफी को हम सीनोसिटिक कहते हैं, सीनोसिटिक का मतलब ही होगा मल्टी न्यूक्लियेटेड। इन विच साइटोप्लाज्म मूव्स इफेक्टिवली, जिसमें साइटोप्लाज्म मॉस्टर तरीके से मूव कर सकता है उस हाइफी में, डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटीरियल्स थ्रू आउट, यानी कि मटीरियल्स को ओवरऑल इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि दरमियान में कोई रुकावट, कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। ये आपके सामने दो तरह के हाइफी हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि सेप्टेट हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल्स हैं, और क्रॉस वॉल के दरमियान में हमने देखा था क्या थे, पोर्स थे, और इधर काइटिनस सेल वॉल नजर आ रही है फंजाई की। ये इलोंगेटेड हाइफी आपको नजर आ रहे हैं जो कि ब्रांच्ड भी हैं, जिनकी हमें ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं, और इनमें क्रॉस वॉल क्या मौजूद है, सेप्टम, और यहां पर इनके क्या है, न्यूक्लियाई। तो ये एक सेल यहां पर फॉर एग्जाम्पल क्रॉस वॉल की वजह से, ये दूसरा सेल, इसका तीसरा सेल, तो इसी तरह से ये चौथा और पांचवा सेल हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर काउंट कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हुए हुए हैं इंफ्रादी सेलों में। लेकिन यहां से हम देख सकते हैं कि सीनोसिटिक हाइफी जो है, जो मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफी होंगे, उनमें उनके एक्सटर्नल साइड पर काइटिनस सेल वॉल तो होगी, लेकिन
उनके अंदर दरमियान में अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो उनमें इस तरह से क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होंगी। अगर ये क्रॉस वॉल्स मौजूद होती तो हम कहते कि ये मल्टी सेलुलर है और इन क्रॉस वॉल्स की वजह से ये किस में डिवाइड हुआ हुआ है, ये हाइफी सेल्स के अंदर, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। लेकिन चूंकि अब क्रॉस वॉल्स नहीं है तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा हाइफी जो है ये इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइडेड नहीं है और इसमें जो न्यूक्लियस है हम कहेंगे ये मल्टी न्यूक्लियेटेड है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हमें नजर आ रहे हैं और ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइफा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। हमने देखा मल्टी न्यूक्लियेटेड इलोंगेटेड लार्ज सेल को, उस हाइफा को, इस तरह के हाइफी को हम कहते हैं दैट इज सिनेसिटिक, और जिसमें साइटोप्लाज्म इफेक्टिवली मूव करता है और मटेरियल्स को थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इजीली। कुछ डिटेल हम देख चुके हैं, इसको हम यहां से रीड भी कर लेते हैं। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई, यानी कि ऐसे फंजाई जिनके हाइफी में क्या है क्रॉस वॉल है, उन्हें हम क्या कहेंगे सेप्टेट फंजाई। और उनके सेप्टा में, उनकी क्रॉस वॉल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोर्स। हमने पोर्स को देखा था, ये क्रॉस वॉल के आपको क्या नजर आ रहे हैं, पोर्स। ये क्रॉस वॉल के पोर्स हैं जिनसे साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकता है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो इन सेल्स के अंदर मौजूद है। हमने अभी ऑब्जर्व किया कि जिसकी वजह से, पोर्स की वजह से साइटोप्लाज्म क्या करता है, फ्लो करता है, बह सकता है एक सेल से दूसरे सेल तक, कैरिंग द मटेरियल्स टू ग्रोइंग टिप्स। इन पोर्स की वजह से जो साइटोप्लाज्म मूव करता है तो वो मटेरियल्स को कहां तक पहुंचा सकता है, साइटोप्लाज्म टू द ग्रोइंग टिप्स, उसकी उगती हुई शाखों की तरफ, आगे बढ़ती हुई शाखों की तरफ। एंड एनेबल द हाइफी टू ग्रो रैपिडली, जिसकी वजह से वो हाइफी को काबिल बनाता है कि वो तेजी के साथ ग्रो कर सके, बढ़ सके। व्हेन फूड एंड वाटर आर अबंडेंट, जब पानी और खुराक कसरत से मौजूद हो और टेम्परेचर भी क्या हो, फेवरेबल हो। अगेन आई विल रिपीट दिस, सेप्टा हम देख सकते हैं कि मैनी सेप्टेट फंजाई के उनमें पोर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म सेल टू सेल मूव कर सकता है और वो मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ग्रोइंग टिप्स की तरफ ताकि हाइफी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके अगर खुराक और पानी क्या है, कसरत से मौजूद है और टेम्परेचर भी सूटेबल है फंजाई की ग्रोथ के लिए। ऑल फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट, तमाम फंजाई ग्रो करते हैं सबस्ट्रेट के जरिए और क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि इनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और वेरियस एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड्स एनॉर्मस सरफेस एरिया, एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पर फैला हुआ स्प्रेडिंग सिस्टम किसका, हाइफी का, ये प्रोवाइड करता है एनॉर्मस, एनॉर्मस मैंने बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, सतही रकबा, फॉर एब्जॉर्प्शन, कि वो उस खुराक को अपने अंदर जज्ब कर सके। तो जितने ज्यादा हाइफी होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ज्यादा फंजाई खुराक को अपने अंदर जज्ब कर सकता है जिस पर वो ग्रो किए हुए है। हाइफी में बी पैक्ड टूगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हाइफी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पैक हुए हुए होते हैं और मुनज्जम होकर बनाते हैं एक पेचीदा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, जैसे कि मशरूम्स, पफ बॉल्स एंड मॉरल्स, विच कैन एक्सपेंड रैपिडली, जो क्या हो सकता है, तेजी से फैल सकता है। यहां से हम मशरूम को देख रहे हैं, ये मशरूम है और मशरूम की ये करेक्टरिस्टिक फ्लोटिंग बॉडी है। हमने देखा कि हाइफी क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, पैक्ड टुगेदर हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, करेक्टरिस्टिक फ्लोटिंग बॉडी, और ये इसका, मशरूम का क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और इसको हम फ्लोटिंग बॉडी का भी नाम दे रहे हैं, जो कि हाइफी के कॉन्डेंस होने से और एक दूसरे के गिर्द पैक होने से बना है। अगर हम इसको फ्लोटिंग बॉडी कह रहे हैं, इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कह रहे हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इन हाइफी के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स,
ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये स्पोर्स गिरते हैं तो हम कहते हैं ये जर्मिनेशन होती है, ये उगते हैं और इनसे न्यू थ्रेड्स निकलते हैं, नए धागे निकलते हैं, न्यू हाइफी जो है वो ओरिजिनेट होंगे। तो ये क्या बनाएंगे? माइसीलियम, यानी कि फंगल बॉडी। तो इन स्पोर्स की वजह से क्या हो रही है? रिप्रोडक्शन हो रही है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इसीलिए हम मशरूम के इस हिस्से को कहेंगे दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ दैट फंजाई। हमने देखा कि हाइफी पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और ऑर्गेनाइज होकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मशरूम बनाते हैं। इसी तरह से ये आपके सामने पफ बॉल्स हैं, ये हाइफी की पैकिंग से मिलकर बनी है और ये करेक्टरिस्टिक फ्लोटिंग बॉडी मोरल्स आपको नजर आ रहे हैं। यहां से हमने मोरल्स को देखा विच कैन एक्सपेंड रैपिडली। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यीस्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होंगे फंजाई और उनमें हाइफी मौजूद नहीं होंगे या फिर हाइफा उनमें मौजूद नहीं होंगे। ये आपके सामने क्या है? यीस्ट जिनमें हाइफी मौजूद नहीं है, जो कि हाइफी पर कंसिस्ट नहीं करती जिनकी बॉडी, ये क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। अब लास्ट में हम देखेंगे ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि तमाम फंजाई के जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। यानी कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं 2n, लेकिन फंजाई की बॉडी के अंदर उनके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? 1n, यानी कि हैप्लॉइड होगा। यहां से हम देख सकते हैं ये 1n है, हैप्लॉइड है, इसमें सिर्फ एक कॉपी है हर क्रोमोसोम की। और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? 23 पेयर्स मौजूद होंगे। पेयर मैंने एक जोड़ा, जैसे यहां पर 1 पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरह से पेयर्स की सूरत में क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, यानी क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज मौजूद होंगी, ये एक कॉपी, ये दूसरी कॉपी, तो वो जानदार होंगे डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। और जिनमें इस तरह से क्रोमोसोम्स की कॉपीज उनके साथ मौजूद नहीं होंगी तो वो क्या होंगे? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो फंजाई के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर, उसके हमने न्यूक्लियाई देखे थे, उन न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम्स हम कहेंगे सिंगल होंगे, यानी हैप्लॉइड, यानी उनमें क्रोमोसोम्स की एक कॉपी मौजूद होगी तो वो हैप्लॉइड होंगे। हमने फंगल न्यूक्लियाई को देखा कि कैसे हैप्लॉइड हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होगा आरजी। फंगल लाइफ साइकिल के अंदर, फंजाई के लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो क्या बनाता है? डिप्लॉइड जायगोट बनाता है, लेकिन वो आरजी कंडीशन होगी, ट्रांसिएंट। लेकिन वो कब बनाएगा जायगोट? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये फंजाई की मैटिंग स्ट्रेन नेगेटिव है और ये मैटिंग स्ट्रेन यहां से आपको पॉजिटिव नजर आ रही है। अगेन आई विल रिपीट, पॉजिटिव मैटिंग स्ट्रेन और नेगेटिव मैटिंग स्ट्रेन, यानी कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों के हम देख सकते हैं ये हाइफा हैं, ये नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफा, ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफा, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफा आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इनको यहां पर एनलार्ज करके दिखाया गया है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन के हाइफा, ये नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफा, यानी कि टू डिफरेंट हाइफा जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। और उनमें जब उनके न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, यहां से हम देख सकते हैं ये गैमेटेंजिया बना हुआ है, जब इनके न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? जाइगो स्पोर बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि मियोसिस हुई है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब ये उग रहा है तो इसमें सबसे पहले क्या हो गई है? मियोसिस। यहां से हम देख सकते हैं कि ये मैटिंग स्ट्रेन फॉर एग्जाम्पल 1n था, हैप्लॉइड था, और ये दूसरी मैटिंग स्ट्रेन, ये भी हैप्लॉइड मैटिंग स्ट्रेन यहां पर नजर आ रही है। तो इन हाइफी के न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड थे 1n थे, तो 1n एक हाइफी का न्यूक्लियाई, 1n दूसरे हाइफी का न्यूक्लियाई, यानी कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिले तो क्या बना? डिप्लॉइड
जाइगोस्पोर। अब इस डिप्लॉइड जाइगोस्पोर में क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस के नतीजे में जो सेल्स डिवाइड होते हैं उन सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल हाफ रह जाते हैं। तो जब जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी, जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करना शुरू करेगा उसमें क्या होगी, मियोसिस। वो पहले 2n था, फिर अब दोबारा से इसकी ग्रोथ जब होगी, जब सेल्स डिवाइड होंगे तो सारे सेल्स उनमें न्यूक्लियस अब दोबारा से क्या हो जाएंगे, 1n, क्योंकि वो जाइगोट अब डिवाइड हो रहा है, वो जाइगोस्पोर अब डिवाइड हो रहा है थ्रू मियोसिस। तो जैसे जैसे डिवाइड होगा उसके अंदर मियोसिस होगी, वैसे ही अगेन डिप्लॉइड से वो जाइगोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब वो हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड होंगे और जर्मिनेट होने के बाद फंगल बॉडी बनाएंगे, तो इस फंगल बॉडी के हर सेल के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। और यहां से हम देख सकते हैं कि जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा वो स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स हम देख रहे हैं दोबारा से दो तरह की स्ट्रेन्स बना रहे हैं, नेगेटिव स्ट्रेन और पॉजिटिव स्ट्रेन। अगेन वही साइकिल रिपीट होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम कहेंगे अपनी लाइफ में एक बार डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, जो कि अगेन क्या हो जाता है, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड हो जाता है। हमने देखा कि तमाम फंगल न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं सिवाय ट्रांसिएंट डिप्लॉइड जाइगोट के, जो कि कब बनता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आपकी बुक में येलो कलर के बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना जरूरी है। यहां से हम देखते हैं, ए सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर। एक अकेला जो माइसीलियम है, फंगल बॉडी है, वो कहां तक फैल सकती है, 1 किलोमीटर तक। ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली 1 डे, सिर्फ एक दिन के अंदर 1 किलोमीटर तक फैल सकती है, जिसमें वो क्या बनाती है, नए हाइफी को फैला रही है। ए सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया, तो यहां पर क्या है, ये सर्कुलर क्लोन्स आपको नजर आ रहे हैं किसके, आर्मिलेरिया के, जो एक पैथोजेनिक फंजाई है, यानी कि बीमारी पैदा करने वाली फंजाई है। तो हम देखेंगे कि ये अपने सेंटर से कहां तक फैली हुई है, सेंटर से यानी कि आसपास ये कहां कहां तक फैल सकती है। ए सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया ए पैथोजेनिक फंगस अफ्लिक्टिंग कॉनिफर्स, अफ्लिक्टिंग मैंने नुकसान पहुंचा रही होती है किसको, कॉनिफर्स को। इनकी एग्जाम्पल क्या है, पाइन ट्रीज हैं, ये कॉनिफर्स हैं, और इनको ये आर्मिलेरिया अफेक्ट कर रही होती है, और ये ग्रो कर सकती है आर्मिलेरिया फ्रॉम द सेंट्रल फोकस, दरमियान से इसको मैयर किया गया है कहां तक, 15 हेक्टर्स तक। और 1 हेक्टर में हम कहते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर मौजूद होते हैं, तो ये इतनी ज्यादा क्या कर सकता है, आर्मिलेरिया ग्रो। तो कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, द आंसर इज यस, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। हम यहां से देख सकते हैं कि ये आर्मिलेरिया किस हद तक ग्रो कर सकता है और कैसे अफेक्ट करता है इन कॉनिफरस ट्रीज को। इस डायग्राम से भी हमें वाजे है कि कैसे इसके हाइफी फैले हुए हैं और अफेक्ट कर रहे हैं कॉनिफरस ट्रीज को। ये बुक की डायग्राम है जिसमें इस साइड से छोटे से पोर्शन को एनलार्ज करके दिखाया गया है, जिसमें हाइफी नजर आ रहे हैं, और ये हाइफी, ये मल्टी न्यूक्लेटेड हाइफा है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये सेप्टेट हाइफा है, और ये सेप्टेट हाइफा जिसमें मोर देन 1 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। होपफुली आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन फंजाई। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।